लोकसभा सीट कोशामी से भाजपा उम्मीदवार विनोद सोनकर ने 3,81,452 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गठबंधन उम्मीदवार इंद्रजीत सरोज को 39,052 मतों से पराजित कर दूसरी बार विजय हुए, जबकि गठबंधन उम्मीदवार सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को 3,42,440 वोट मिले हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार 1,56,355 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गिरीश चंद्र पासी 16,397 मत हासिल कर चौथे स्थान पर रहे। वाले लोग वोट के नाम पे समाज को बांटने वाले लोगों की दुकानदारी आज से बंद।